my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल भारत ट्रांसपोर्ट टेक। आज हम यहाँ पे पूजा नागपुर जय माँ भवानी ट्रेवल्स के बाड़े में हैं, जहाँ पे ब्रांड न्यू गाड़ियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं पूना, और पार्किंग में उनकी ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। न्यू टाइमिंग से स्टार्ट होने जा रही हैं सतलज बॉडी बसेस, ब्रांड न्यू बसेस मेरे सामने खड़ी हुई हैं। 2x1 AC स्लीपर कोच बिल्ट ऑन अशोक लीलैंड PS6 बस चेचेस, 12 मीटर बस चेचेस। देखिए कितनी बड़ी फ्लीट है यहाँ पे गाड़ियों की। मैं पीछे से जाके दिखाता हूँ, बूट स्पेस कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है गाड़ियों का। अगेन यहाँ पे पीछे बूट स्पेस, ये लॉकडाउन के चलते गाड़ियों की कंडीशन हो रही है यहाँ पे। बहुत दिन से गाड़ियाँ यहाँ पे हॉल्ट हैं, इस वजह से कंडीशन बुरी हो रही है। तो दोस्तों बता दें कि ये बस ब्रांड न्यू सतलज बिल्ट बसेस हैं, जो कि आज नागपुर टू पुणे लाइन में लॉन्च होने जा रही हैं। गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है इन गाड़ियों का। ब्लैक, पर्पल, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और ऑरेंज कलर का कलर कॉम्बिनेशन है गाड़ियों का। ग्राफिक्स भी बहुत ही यूनिक है इस बस की। ये इसका रियर व्यू है और यहाँ पे बूट स्पेस डिक्की भी प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही स्पेशियस। और ये साइड व्यू और जो पेंट फिनिशिंग है इस बस की बहुत ही प्यारी है, सतलज के द्वारा प्रोवाइड की गई है। मिरर व्यू बिल्कुल भी दे रही है गाड़ी खड़े होने पर। और ये कुछ इस प्रकार का फ्रंट व्यू है गाड़ी का, जो कि बहुत ही शानदार आ रहा है। उभर कर एग्रेसिव लुक है गाड़ी के सामने से। तो चलिए आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। ये बस का एंट्रेंस एरिया है, जो कि पूरा स्टील व्यू से है। ये ड्राइवर केबिन है और यहाँ पर ड्राइविंग कंसोल, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अपना ड्राइवर स्लीपर और ये को ड्राइवर सीट। इसी के साथ साथ इंटीरियर भी गाड़ी का बहुत ही शानदार डिज़ाइन किया गया है। डार्क ब्लैक कलर का थीम और वाइट कलर की थीम है। पिंक कलर के कर्टेंस दिए गए हैं और पूरी एमिनिटीज लोडेड हैं। स्पीकर्स, रीडिंग लाइट, USB चार्जिंग पोर्ट एंड चार्जिंग पोर्ट एक्सेट्रा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।